तो गैस अभी देखे माशाल्लाह से कुछ इस तरह से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैर वाफिया से होंगे। अच्छे जितने भी कैंडी मेजर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज का व्लॉग हम यहीं से शुरू करते हैं और जो रूटीन होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। और मुझे काफी कमेंट, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि भाई इसको भी जैसे आपकी वाइफ ने बोला ना ऑफ वाइट कलर कर दो इसको, तो मैं अभी ट्राई के तौर पे ना वो लेके आता हूँ, वो छोटी स्प्रे नहीं स्प्रे वाला जो कलर होता है ऑफ वाइट वो लेके आता हूँ, फिर देखता हूँ कैसा लगता है। और इसको भी कर देंगे, इसको और इसको देखते हैं, इसके ऊपर शायद पूरा आ ही जाएगा इंशाल्लाह। और यार आज जो ना नींद पूरी नहीं थी, लोग बहुत लेट शुरू कर रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि मीर की ना फिर से सुबह तबीयत ख़राब हो गई थी। जब से मूसा पैदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक था, लेकिन आज सुबह जब उठा ना बुखार था, तो मैं इसको बाहर लेकर आया मेरी वाइफ और मैं, क्योंकि अंदर हमने बोला मूसा ना उठ जाए। जैसे ही बाहर लेकर आया इसने बहुत गंदी एक चीख मारी, वो जैसे बच्चा डर नहीं जाता जैसे, क्योंकि वो पहले छोटा था ना तो बस इसके ना वो आता था दौरे पड़ते, तो अभी थोड़ा बड़ा हो गया शायद इसको एकदम से डर लगे, तो ऐसे गंदी चीख मारी फिर से वही दौरा शुरू हो गया इसको। तो पता नहीं यार क्या मसले हैं, अल्लाह रहम करे बस। तो जैसे डॉक्टर ने बोले फिर वैसे किए इसको हमने, और जो ना क्या बोलते हैं एसी चला के रखे, बिल्कुल कपड़े वपड़े उतार दिए इसके, तो बोलते हैं इसको ना बिल्कुल ठंडा रहने जाए करो, तो बिल्कुल ठंडा रहने दिया। अभी अभी बेहतर है, दवाई वगैरह पिलाई है, इसकी दवाइयाँ भी पड़ी हुई हमारे पास, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर है। बाकी देखें थोड़ी देर बाद मैं फिर भी इसको इसके डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। तो गैस कलर मैं ले आया हूँ, ये रहा ऑफ वाइट कलर ले आया हूँ, ये वाला तो ज़्यादा ले हुए मैंने बोला बाद में भी किसी जगह पे काम आएगा, अभी थोड़ा सा बनाते हैं। इसके अंदर इसको मैंने कट किया बोतल को, और ये जो है सेवन अप की बोतल जो है ली है स्प्राइट बल के, लेकिन ये इसके अंदर जो ना तेल है जो इसके अंदर डलेगा, ये वो जूस नहीं है जो आप बल्कि नेक्स्ट कोला है, हाँ नेक्स्ट कोला की बोतल दी है, तो ये जो ना मिट्टी का तेल है। तो यार कलर तो मैं ले हूँ, लाया तो मैं ऑफ वाइट, अंदर से देखो कैसे जो कोई और कलर लग रहे मुझे, खैर जब बनेगा तभी इसका रिजल्ट निकलेगा ना। अभी इसको इसके अंदर थोड़ा सा डालता हूँ, तो भी कलर इसके अंदर डाल दिया, अभी डालते हैं इसके अंदर जो ना ये जो मिट्टी का तेल है ये। तो यार बस अभी जो ना इसको ना मिक्स करते हैं, ये ऐसे ऐसे करके मैं इसको मिक्स कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो गैस कलर हमने जो ना बना लिए और अभी बारी है इसको अप्लाई करने की, तो देखते हैं कि इसको मैं बोलता हूँ इसको ऊपर उठा लें। खैर पहला कलर वाला हो गया, डब्बा साथ में लेके घूमता हूँ, कहाँ शुरू करूँ से। इसको ना लगाते हैं और देखते हैं क्या चलता है। ये मेरी वाइफ के कहने पे मैं लगा रहा हूँ ये वाला, अच्छा लग रहा है ठीक है, अच्छा लग, अजीब सा लग रहा है। और कमेंट भी बहुत ज़्यादा थे कि हाँ भाई आपकी वाइफ सही बोल रही है, वही कलर करो जो आपकी वाइफ बताते हो ऑफ वाइट। बोला ठीक है भाई हम भी ले आते हैं, इसमें क्या मेरे आप दूर जाओ, हाथ नहीं लगाना, शीट गंदी नहीं करे ना, ध्यान से करे, इसलिए तो ऐसे कर रहा हूँ और कैसे करो, वो शीट पे धुल जाएगा, पेट्रोल है मेरे पास। ओके जी जी। तो अभी देखेंगे, अभी खैर सूखेगा तो असल रंग निकलेगा, लेकिन अभी मैंने इसको खैर खिड़की को पूरा कर लिया, अभी बारी है डोर को करने की, और अभी डोर को करते हैं देखते हैं कैसा लगता है, वो सारा वाइट 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 कर देंगे इसको। तो यहाँ पे ना देखे कलर हो चुका है ऑफ वाइट, तो अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। हाँ फिर है ना देखते हैं कैसा लगता है, फिलहाल तो अच्छा ही लग रहा है। गेट भी वाइट कर दो तो और क्या नहीं करना, दूर से होना चाहिए, सिर्फ साइड ही करनी चाहिए जैसे आपको ठीक लगे। लिप भी वाइट कर दो, पता वाइट वैसे भी रंग दिखते हैं। तो गाइस यहां पर इसको भी कर लिया, इसकी साइडें भी कर ली, और अभी रह गया बीच वाला, सारा ऑफ वाइट हो जाएगा ना, या तो अजीब हो जाएगा या तो फिर अच्छा हो जाएगा, चलें जो भी अच्छा हो जाएगा बस। और गाइस आप देखें पहले ये ब्राउन था अभी वाइट हो गया, वैसे अच्छा लग रहा है यार, काफ़ी हद तक बहुत अच्छा लग रहा है, पहले भी अच्छा लग रहा है लेकिन अभी जब फुल
सूख जाएगा ना तब ये शाइन भरेगा, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। हमजा प्यारा हो गया वैसे। हाँ और क्या करूँ इस कमरे में, बोलते हैं इस कमरे को ऐसा बना दो ना कि सारी जितनी जायदाद जितनी दौलत सारी इसके ऊपर लगा दो। सारी दुनिया हमारे घर को ही देखे, हमारे घर को ही देखे। अच्छा वो भी लगाएंगे। अभी बताओ ये सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है? वैसे अच्छा लग रहा है, न्यू हो गया। सही है यार, लोगों के मशवरे भी कभी कभी काम आ जाते हैं। अभी देखो ना 500-1000 रुपये का ये लिया, अभी आधा से ज़्यादा बचा हुआ है, ये मैं किसी और जगह पे भी कर लेता हूँ घर के अंदर, क्योंकि घर में बहुत सारी जगह है जहाँ पे ना रंग की अभी भी जरूरत है। टीवी लॉन कर देंगे यार, हम तो बहुत बढ़िया लग रहा है वैसे। बाकी ना अभी मैं वो कपड़े से ना ये सारा रंग जो हल्का हल्का नीचे गिरे ना, इसको पेट्रोल के साथ साफ कर तो फिर और भी बढ़िया हो जाएगा। वाह, तो भी जो बचा कुचा रंग था ना वो मैंने यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि ये वाली दीवार बहुत गंदी है। बाकी सब तो हमने की थी लास्ट दो बचा था, लेकिन ये वाली दीवार जो ना बच गई थी। और इसके बाद अब वो वाला रूम है क्या, वो भी देखते हैं उसका भी सोचते हैं। और फिलहाल जो कलर जो बचे ना मेरा ऊपर तो खैर कर लिया, जो नीचे ना नीचे बस सारा कर लेता हूँ, फिर कोई सीट ढूंढ के रहता हूँ अगर ऊपर जाती है तो। दिखाओ ये कैसा लग रहा है अभी, वो दिखाओ इसमें क्या कितना फर्क है। और गाइस ये देखें अभी ना ऐसे है तो बाद में देखते हैं कैसा हो जाता है। तो गैस मैं अभी कलर कर रहा था, मैंने अपनी वाइफ को बोला ये ट्रॉली है इसको धक्का लगा दिया, ये मैं इधर कलर करता हूँ जब ये चीज धक्का देती हुई। अभी मैंने जब पास में देखा ना मेरे सर से, ये देखो ये यहीं से घूम रहा था, अभी मैंने यहाँ से बैंक किया, मतलब ये मेरे सर जान बुझे कलर लगाना चाह रहे थे। आयरन टेबल को धक्का देके चाय भी साथ पी रही हूँ तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा ऊपर। नहीं अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। आपके भाई ने देखो ये वाली दीवार भी और वो भी और अंदर का रूम भी, एक ही छोटे से डब्बा जो लाया था 1000 रुपये का उससे सारा कर लिया। और इस बार मैं उतना गंदा नहीं हुआ जितना फर्स्ट टाइम हुआ था, क्योंकि उस दिन आपने देखा मेरा मुँह ये वो पूरा भर गया था। मैं इस बार सिर्फ हाथ है वो भी मेरे पास, वो जो है ना मिट्टी का तेल उससे मैं उतार लेता हूँ सारा। तो खैर अभी देखो दीवार भी अच्छी लगी है, ये जब सूखेगी तो और भी अच्छी लगेगी। अंदर हमारा रूम भी हो गया, अभी फाइनल हो गया, ठीक है एक ये दीवार लगी। बाकी बचे अबू का कमरा, मैंने पहले सोचा उधर करता हूँ, फिर मैंने बोला इससे सिर्फ एक ही दीवार होगी फिर वो अजीब सा लगेगा, फिर मैंने बोला इसी को पहले फैल कर था उसको जो ना एक और पूरा डब्बा लेंगे, फिर अभी वाले रूम को भी कर लेंगे। बाकी हमारे घर में सिर्फ जो ना अबू का रूम बचा है, मतलब बाकी सब कर रंग हो गया, बाकी अभी उसको करेंगे फिर फुल एंड फाइनल हो जाएगा। चलो चलेंगे, तो अभी पूरा दिन घर का काम करते करते मतलब सफाई वो रंग किए पूरे घर को, और फिर जो है उसको सेटिंग किए सारा कुछ करके नहा धो के, और मैं कह रहा हूँ बाहर मिट्टू के बूटे ख़त्म है, और घर के लिए मतलब दूध वगैरह लेने अमीर वगैरह सब के लिए, तो ये सारी चीज़ें अभी जो ना अभी जल सकते हैं बस। और गया जी अभी बंद करके भाग ही रहा था कि मैंने इसको पकड़ लिया है, भुट्टा है ना तीन पड़े हैं, चलो मिट्टू का काम हो जाएगा, चलो सही है जितने भी अच्छे हैं बस। तो गए अभी मिली है मीर से, मीर आज आपको दिखा नहीं होगा जी। मीर सलाम करो, अभी तबीयत कैसी है मीर की? हाँ अच्छा अच्छा, अभी मीर ठीक है? वो क्या होता है क्या बोल रहे हो? अच्छा सलाम तो करो। हाँ कैसे क्या फिर से करो। अल्ले यार क्या बोल रहे हो? हाँ जी अच्छा भैया माऊ है, मैं मारूंगा भैया को बस। अच्छा अच्छा मारूंगा भाई, मैं मारूंगा ठीक है। अच्छा ठीक है चलो अभी सो जाओ ठीक है। बेबी चाऊ, बेबी क्या? बेबी चाऊ, बेबी चाऊ, पीपी 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 पे चलूं? अच्छा सुबह चलेंगे बस। हाँ हाँ देखा ना कल भी आप गए थे तो आपको वहाँ पर गर्मी लगी, बुखार आ गया आज। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है भाई ठीक है।
चल ठीक है ठीक है ओके। छोटी सी कैटो मीर कैटो बनो या चलो ओके बाय बाय अल्लाह हाफिज। तो गैस अभी देखे माशाल्लाह से कुछ इस तरह से लुक आ रहा है, जो कि मुझे काफी कमेंट आया था कि भाई अगर इसको ऑफ वाइट कर देंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा इसके साथ। तो वॉशरूम का भी और इसका भी हमने किया, और जो बाकी कलर बचा था उसका मैं दिखाता हूँ, वो तो बहुत ज्यादा कलर मिल गया था मुझे और उससे हमारा बहुत ज्यादा काम हो गया। खैर ये अभी बहुत अच्छा लग रहा था, मैचिंग भी कर गया और अच्छा भी लग रहा है। खैर और गैस जो बाकी का कलर बचा था ना मैंने वो यहाँ पे कर दिया, देखें कितना प्यारा कलर निकल गया है। अभी लाइटिंग का थोड़ा मसला है, तो गैस लाइटिंग का थोड़ा मसला है और सुबह तक और भी शाइन करेगा, क्योंकि अभी जो ना इसको थोड़ी देर है ना, तो लाइटिंग की वजह से भी थोड़ा आपको इतना अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। नीचे तक मैंने इसको कर दिया और बिल्कुल क्लीन, यहाँ पर पहले निशान भी थे दीवार पर, क्योंकि जब से हम लोग आए थे बाकी तो घर क्या था सिर्फ ये साइड बच गई थी अबू का रूम। बाकी मैं सोच रहा हूँ एक डब्बा और लेऊंगा, अबू का रूम भी करेंगे तो अबू भी खुश हो जाएगा। और माशाल्लाह से इधर भी लग गया था, ये देखो ये सारा कलर करके ना माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा हो गया अभी, और बहुत अच्छा लग रहा है, लुक दे रहे चले अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई आज का व्लॉग बस हम यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज बस थोड़ा बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से थोड़ा परेशान भी थे, और थोड़ा ये घर के काम करने थे तो बस घर के दिन में अभी मैं मीर को ना हर पाँच आधे घंटे बाद जो ना वो ठंडे पानी से उसका मतलब सर और माथा के पे लगा रहे और दवाई भी पिला रहे थे अभी माशा से पहले, लेकिन सुबह इसको एक दौरा पड़ा था तो बहुत, इस बार अभी थोड़ा बड़ा हो गया तो अभी इसने चीख मारी थी बहुत गंदी सी, और डॉक्टर ने जो ना एक मेडिसिन गोलियां दी थी उसको दो ना तो फिर इसको काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो अभी जो ना खैर काफ़ी अलहमदिल्ला से बेहतर है, और बस इसको वो जो पैरेंट और जो दूसरी दवाई थी वो कुछ कुछ घंटे बाद पिला रहे तो अभी अलहमदिल्ला से बेहतर है। और छोटे मूसा को भी बुखार आ गया, उसके भी बहुत अच्छा, उसको भी मैंने देखा जी जी भैया को मैं मारता हूँ, तो उसको भी जो ना इसी के जैसे बुखार है गाइस, जैसे इसको आता है ना मतलब पूरा जिसम जो ना ठंडा और सिर्फ सर पे बुखार जैसे आता है, तो उसको भी आज हम देख रहे हैं उसको भी ना सर पे बुखार है, तो पता नहीं ये क्या सीन हो गया है। बस अल्लाह रहम करे, अल्लाह करे उसको ऐसे मतलब दौरे वोरे कुछ ना हो, बाकी ठीक हो जाए तो वो बच्चे खैर ठीक हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।